विंटर का मौसम अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। अगर आपने अभी तक अपने लेमन के पौधे का प्रूनिंग और रिपोर्टिंग नहीं किया तो यही उसका परफेक्ट टाइम है पौधे को रिपोर्टिंग करके नए पॉट में ग्रो करने का। इससे अगले सीजन में आपके पौधे में ढेर सारे फ्लावर्स आएंगे और बहुत ही अच्छा फ्रूट्स आपको देखने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप किस तरीके से आपका कोई भी साइट्रस प्लांट जैसे कि लेमन या फिर ऑरेंज या फिर माल्टा उस पौधे का रिपोर्टिंग और प्रूनिंग कर सकते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी साइट्रस प्लांट में ढेर सारे फ्रूट्स पाने के लिए पौधे को विंटर शुरू होने से पहले या फिर विंटर खत्म होने के ठीक बाद प्रूनिंग और रिपोर्टिंग किया जाता है। अगर आपके पौधे में फ्रूट्स नहीं है तो आप ये काम अभी यानी विंटर शुरू होने से पहले कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पौधे में फ्रूट्स लगे हुए हैं तो आप विंटर खत्म होने के ठीक बाद ये काम कर सकते हैं। तब तक फ्रूट्स का हार्वेस्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ किस तरीके से आप अपने पौधे को रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने पुराने पॉट को अपने पौधे से अलग कर लेता हूँ। करीब एक साल पहले मैंने अपने पौधे को इस 10 लीटर के लोहे के ड्रम में ग्रो किया था। अभी ये ड्रम भी खराब हो चुका है और अपने पौधे का रूट बाउंड भी काफ़ी हो चुका है, तो मैं अपने पौधे को इस लोहे के ड्रम से निकाल लेता हूँ। मैंने पौधे को निकाल लिया है। अब हम पौधे के रूट बॉल से थोड़ा बहुत मिट्टी हटा देते हैं। मैं यहाँ पर बड़े साइज के एक हाफ ड्रम में पौधे को ग्रो करूँगा, इसीलिए ज़्यादा मिट्टी हटाने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम पौधे को फिर से सेम साइज के पॉट में ग्रो करते तो हम करीब 1/3 मिट्टी हटा देते। पौधे को ग्रो करने के लिए अब मैंने एक हाफ ड्रम ले लिया है। हाफ ड्रम के नीचे मैंने कुछ ड्रेनेज होल भी बना लिए हैं। सबसे पहले हम इन ड्रेनेज होल के ऊपर टूटे पॉट का टुकड़ा उल्टा करके रख देंगे। अब हम इसके ऊपर सैंड यानी रेत का एक लेयर दे देंगे। ये हमारा ड्रेनेज का काम करेगा और पानी जमने की वजह से कभी भी अपने पौधे का कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब हम पॉट में पॉटिंग मिक्स ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पर पॉटिंग मिक्स में 60% गार्डन सॉइल और 40% कंपोस्ट अच्छी तरीके से मिला लिया है। अगर आपके पास कोकोपीट अवेलेबल हो तो आप थोड़ा सा कोकोपीट भी इसमें मिला लीजिए। अब हम पौधे को पॉट के बिल्कुल बीच में रखेंगे। बीच में रखने से पौधा देखने में भी अच्छा लगता है और पौधे के रूट्स भी चारों तरफ बराबरी से फैल पाते हैं। अब हम अच्छी तरीके से पॉट में मिट्टी भरते हैं और हाथों से मिट्टी को चारों तरफ फैला के प्रेशर देके थोड़ा प्रेस कर देते हैं। इससे सारे एयर पॉकेट्स खत्म हो जाएंगे और जब हम पौधे में पानी देंगे तो मिट्टी नीचे दबेगा नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर से 2 इंच छोड़कर हम पूरे पॉट में मिट्टी भर लेंगे। अब हम पौधे में भरपूर पानी देंगे और पूरे मिट्टी को गीला कर देंगे। आप चाहे तो हर लीटर पानी में 1/2 चम्मच एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट मिला के उस पानी को अपने पौधे में दे सकते हैं। इससे पौधे का जो रिपोर्टिंग शॉक होता है वो कई हद तक ख़त्म हो जाता है और पौधा बहुत ही जल्दी ग्रो होने लगता है। अब बारी आता है पौधे का प्रूनिंग करने का। लेकिन प्रूनिंग करने से पहले आप अच्छी तरीके से आपका जो कटर है या फिर प्रूनर है उसका शुद्धिकरण कर लीजिए। इसके लिए आप सैनिटाइज़र या फिर हाइड्रोजन पारऑक्साइड या फिर डेटॉल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से अपने प्रूनर को अच्छी तरीके से शुद्धिकरण कर देंगे। शुद्धिकरण करने से पौधे में जब हम प्रूनिंग करेंगे तो वहाँ पर किसी भी इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किस किस ब्रांच में आपको प्रूनिंग करना है और कितना प्रूनिंग आपको करना है। पौधे में प्रूनिंग करने के टाइम पे आप तीन चीज़ों का ध्यान रखें। पहला, पौधे के ब्रांच का शेप, यानी अगर आपके पौधे का ब्रांच काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है या फिर उसका शेप ठीक नहीं है तो आप उस ब्रांच को काट दीजिए। मेरे पौधे में ये जो दो ब्रांच है ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है तो मैं इसको कुछ इस तरीके से काट दूँगा और एक अच्छा शेप दे दूँगा। दूसरा, पौधे में अगर कोई पतला ब्रांच है तो आप उसको बिल्कुल नीचे से काट दीजिए। और तीसरा, पौधे में अगर कोई मरा हुआ ब्रांच है तो आप उसको भी बिल्कुल नीचे से रिमूव कर दीजिए। इसके अलावा बाकी सभी ब्रांच का ऊपर वाला पार्ट यानी करीब 10 से 15 सेंटीमीटर हम काट देंगे। अब हम थोड़ा सा फंगीसाइड लेंगे और इस फंगीसाइड के साथ थोड़ा सा पानी मिला के एक पेस्ट बना लेंगे। अब हम इस पेस्ट को अपने पौधे का हर एक कटा हुआ पार्ट जहाँ पर हमने प्रूनिंग किया था वहाँ पर अच्छी तरीके से लगा देंगे। इससे हमारे पौधे का उस पार्ट में कोई भी फंगल डिजीज होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। ये काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लेमन के पौधे में डाइफेक का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आता है। यही था आज का वीडियो, आप किस तरीके से लेमन के पौधे में प्रूनिंग और रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये मेरा पिछले साल का वीडियो है। पिछले साल मैंने इस तरीके से अपने पौधे में प्रूनिंग और रिपोर्टिंग किया था। इससे पहले अपने पौधे में कोई भी फ्लावर्स मुझे देखने को नहीं मिले थे, लेकिन इस तरीके से प्रूनिंग और रिपोर्टिंग करने के बाद मेरे पौधे में दो फ्रूट्स आए हैं। इसका भी वीडियो मैं बहुत ही जल्दी चैनल पर अपलोड करूँगा। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से हैं और आपके पास कितने लेमन के पौधे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।